सो दिस इज़ अ चैप्टर टू प्रैक्टिस मैनुअल का, जो सेकेंड चैप्टर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका है ये पूरा पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स का ट्रेंड एनालिसिस। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए थे मैंने वो सारे मेंशन कर दिए यहाँ पे। सो नवंबर 17 में आया था ये फिफ्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल का, तो मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल। सो पीएम का क्वेश्चन नंबर 5 था जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स एंड कंटिंजेंसीज पर शॉर्ट नोट लिखना था। Differentiate the following item with reference to existing accounting standards and Indian accounting standards. Contingencies and extraordinary items. तो ये लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ गया है एंड ये जो इस क्लास का फर्स्ट पार्ट था उसमें भी कवर हुआ था। एंड ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर एंड मार्क्स वगैरह इतने अलॉट थे, आप पूरा चेक कर लेना। एंड सेकेंड क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था नवंबर 17 का ही 9th क्वेश्चन विच वॉज कार्व आउट्स इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 एंड IFRS 1 विच इज़ फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें जो कार्व आउट था वो था ये 9th क्वेश्चन। ये था, ये भी आ चुके हैं लेटेस्ट नवंबर 17 में। एंड मई 17 में आया था PM का ही 10th क्वेश्चन विच इज़ कार्व आउट इन IND AS 103 एंड IFRS 3 मीन्स बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो ये 10th क्वेश्चन भी आ गया, 9th क्वेश्चन भी आ गया एंड 5th क्वेश्चन भी आ गया है। 5th हमारा फर्स्ट पार्ट में कवर हो गया था, तो मैं 9th और 10th क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल अभी रीसेंट अटेम्प्ट्स में आए हैं एंड बहुत मटेरियल है कार्व आउट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिफ्रेंशिएशन मतलब कंपैरेटिव्स वगैरह इतना कंटेंट है कि आई डोंट थिंक सो वो रिपीट क्वेश्चन डालने वाले हैं। सो ये दोनों को 9th और 10th नहीं करेंगे। एंड जो क्वेश्चन आए हैं स्टडी मटीरियल से वो देख लेते हैं। नवंबर 17 में ही आया था IND AS 20 AS 12 ग्रांट का डिफ्रेंशिएशन आया था, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड AS में डिफरेंस। एंड नवंबर 16 में आया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 एंड 18 रिलेटेड पार्टीज। एंड मई 15 जो फर्स्ट टाइम आया था क्वेश्चन IFRS 16 एंड AS 10 ये था PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे था डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड AS 10 उसमें डिफरेंस नहीं आया, IFRS 16 एंड AS 10 में डिफरेंस आया था, तो ये बात नोट कर लेना। एंड मे सिटिंग इज नवंबर 15 एंड मे 16 में IND AS कंपैरेटिव्स मतलब कार्व आउट्स डिफरेंसेस वगैरह कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये सारे एक तरह से ट्रेंड देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आ गए हैं, उनको लास्ट प्रेफरेंस देना, उससे पहले जो नहीं अभी रिपीट हुए उनको देख लेना। अब ये है प्रैक्टिस मैनुअल सेकंड चैप्टर PM से, इसमें 10th क्वेश्चन ऑलरेडी आया था हमारा एंड 9th क्वेश्चन भी लास्ट अटेम्प्ट में आया था। सो 9th क्वेश्चन भी आया, अब हमें करना क्या है, 8th क्वेश्चन करना है। 8th में पूरा क्वेश्चन है क्या, 8th में मेजर चेंज 8th में है डिफरेंसेस इन IND AS 1 एंड IAS 1 मीन्स जो कार्व आउट है एंड विच डू नॉट रिजल्ट इन कार्व आउट। एक तो कार्व आउट का जो ऑप्शन जो ये क्वेश्चन है मीन्स जो इसमें लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं हमारा लोन एग्रीमेंट का था कि लोन एग्रीमेंट का कोई कंडीशन नॉन जो कि नॉन करंट था लोन एग्रीमेंट एंड कोई कंडीशन ब्रीच वगैरह होती है तो हम उसे क्या कर देंगे एज अ करंट उसे क्लासीफाई कर देंगे। और कार्व आउट यही था कि हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ऐसा नहीं होता, और ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है अपनी एक क्लास है जो IND AS 1 कंपैरेटिव्स की है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड टाइमिंग मेंशन कर दूंगी कार्व आउट की कहाँ से कहाँ तक है, डायरेक्टली वहाँ पर जंप करके आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं सो दैट हम यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करें इस टॉपिक पर। एंड जो ये है नॉट रिजल्टिंग इन कार्व आउट मतलब इन शॉर्ट हमें ये करना है। सो हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि करना क्या क्या है इस क्लास में। सो ये क्वेश्चन करना है एंड ये 7th क्वेश्चन हमें फुल करना है जो है एक बिजनेस कॉम्बिनेशन IND AS 103 एंड AS 14 के बीच में डिफरेंस है। एंड एक इंटेंजिबल एसेट्स में IND AS 36 है जो एंड AS 28 है उनका डिफरेंस करना है। एंड ये 6 क्वेश्चन जो है डिसकंटिन्यूड एंड वॉरियर्स वर्सेस डिसकंटिन्यूइंग एंड एक्वायर्ड इंटेंजिबल्स का एग्जिस्टिंग इन AS एंड IND AS का डिफरेंस। 5th हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्लस आया भी हुआ एग्ज़ाम में रीसेंट एग्ज़ाम में। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये है 4th क्वेश्चन का बी एंड सी पार्ट, ए पार्ट हमने कर लिया था तो बी एंड सी पार्ट रह गया। सो 4th का बी सी 6th क्वेश्चन करना है एंड हमें करना है 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन, टोटल ये वाले पार्ट्स हमें करने हैं इस क्वेश्चन में इस क्लास में। अब हम करते क्या हैं, हम कुछ टॉपिक्स के लिए
पीएस बेनीवाल सर का जो फाइल है डिफरेंसेस कार्व आउट्स वगैरह का, वो रेफर कर लेंगे सो दैट हमारा समराइज्ड फॉर्म में जल्दी जल्दी सारा रिवाइज हो जाए। सो हम वहाँ पे जंप करते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी रैंडम ऑर्डर में मैं कर रही हूँ। फर्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 विच इज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड उसका रिस्पेक्टिव AS है AS 14 अमेलगमेशन। सो हमने अमेलगमेशन जैसे नाम सजेस्ट करते हैं इसका डील्स विद ओनली अमेलगमेशन, बट इसमें और भी मतलब डिफरेंट टाइप के आ जाएंगे और कॉम्बिनेशन वगैरह। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन इज़ अ वाइडर स्कोप है एंड ऑब्वियसली AS जो हमारे हैं उनका लिमिटेड स्कोप ही है। एंड AS 14 में हमने पढ़े हैं दो टाइप के मैथड, फर्स्ट वन वॉज मर्जर मैथड और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड एंड सेकेंड वॉज परचेज मैथड। बट यहाँ पर जो बोलता है कि AS उसमें कहता है कि सिर्फ एक्विजिशन मैथड यूज़ होगा। सो इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर इस टैब यहाँ पर ना जो ये वाली फाइल है टेबुलर फॉर्म में बता रखा है सारा, बट अगर आप PM रेफर करते हो वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में सारे डिफरेंसेस नहीं मिलते, वहाँ पे हेडिंग वाइज मिलेंगे कि स्कोप लिखा होगा, मतलब ऐसे टेबल्स नहीं बना रखी। तो सजेस्टेड यही है कि जैसे PM में आंसर क्या हुआ है वैसे ही करो आप, ट्राई अटेम्प्ट करो एग्ज़ाम में भी टेबुलर फॉर्म अगर होती इसमें आंसर देना होता तो PM में भी आई थिंक ऐसे ही गिवन होता। तो वो सजेस्टेड है कि PM का फॉर्मेटिव फॉलो करो ऐसे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएशन टाइप्स मत करो। सो थर्ड है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में, जैसे हम वहाँ पे करते थे AS 14 में हम जब अमलगमेशन चैप्टर करते हैं पूरा बुक वैल्यूज़ पे एक तो एक्वायर करते हैं या फिर सारी मतलब एसेट्स लाइबिलिटीज़ होती है या फिर हम करते हैं फेयर वैल्यूज़ पे जब परचेज मैथड हम करते थे। बट जो पता ही है AS में सब कुछ फेयर वैल्यू पे होता है, कुछ भी बुक वैल्यू पे होता नहीं है। तो वही लिख रखा है कि AS का एट फेयर वैल्यू अंडर एक्विजिशन मेथड में, तो ऐसे करना है क्योंकि मेथड एक्विजिशन है एंड वैल्यू कौन सी है फेयर वैल्यू है। एंड अब जैसे गुडविल निकलती है परचेज, नेक्स्ट पार्ट है मोटाइजेशन ऑफ गुडविल। अब हम हमारा AS 14 में अमलगमेशन जब है करते थे क्वेश्चन तो परचेज मेथड में ही गुडविल निकलती थी या फिर कैपिटल रिजर्व निकलता था, से गुडविल निकली है उससे हम करते थे मोटाइज। कैसे 5 years होती है गुडविल के लिए लिमिट कि 5 years में हम उसे मोटाइज कर देंगे, हर साल 1/5 1/5 करते रहेंगे 20%। बट यहाँ पर AS 103 में बोलता है जो इम्पेयरमेंट के लिए जो वहाँ पर दे रखा है AS 36 है वहाँ पर बोलता है कि इसकी एनुअल बेसिस पर टेस्टिंग करेंगे क्योंकि इम्पेयरमेंट तो नहीं है ना। तो कहते हैं यहाँ पे कोई मोटाइज की कोई भी स्कीम नहीं है कि गुडविल इज़ नॉट अ मोटाइज बट टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट ऑन एनुअल बेसिस एनुअल बेसिस में इन अकॉर्डेंस विद AS 36। तो मतलब जो इसका इम्पेयरमेंट का रिस्पेक्टिव AS 36 वहाँ बोलता है कि हम एनुअल बेसिस पर टेस्टिंग करेंगे इम्पेयरमेंट है या नहीं है। ओके तो लेकिन यहाँ पे था अमलगमेशन में सिर्फ हम मोटाइज करेंगे 5 years में। अब पहले एक बार फर्स्ट 5th point को छोड़ते हैं 6th point कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जैसे हम हमारा परचेज मेथड में निकलता था गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कब निकलता था जब मैंने एक्वायर किया कुछ बुक वैल्यू और मतलब एक सर्टेन बुक वैल्यू सॉरी पर फेयर वैल्यू वगैरह पे एक्वायर किया बट मैंने इन ऑल उनका पे थोड़ा सा कम किया मीन्स मेरा प्रॉफिट निकला उसे बोलते थे हम कैपिटल रिजर्व हमारा ये निकला, ठीक है। बट यहाँ AS जो हमारा 103 है इस टर्म को इन्होंने बोला है बार्गेन परचेज गेन, मतलब परचेज गेन हो गया एक तरह से ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसे इन्होंने बोला कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे OCI में अदर और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एंड उसे इक्विटी में ही दिखा देंगे एज अ कैपिटल रिजर्व। मीन्स टर्म वही है कैपिटल रिजर्व बट उसका नाम चेंज हो गया कि परचेज गेन उस नाम से हो गया। एंड यहाँ पर एक पॉइंट एक या दो पॉइंट मिसिंग भी हैं जिसमें अगर PM आप रेफर करोगे तो वहाँ पर एक है रिवर्स एक्विजिशन के नाम से एक टॉपिक दे रखा है, इसका एक पार्ट दे रखा है उसमें बोलता है कि AS 14 में ऐसा कुछ नहीं था रिवर्स एक्विजिशन के नाम से बस बट AS 103 उसे प्रॉपरली डील करता रिवर्स एक्विजिशन से। एंड एक और पार्ट दे रखा है यहाँ पे माइनॉरिटी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी, यहाँ पर पॉइंट नहीं है माइनॉरिटी का। उसमें बोला क्या हुआ है माइनॉरिटी के पॉइंट में द एग्जिस्टिंग AS 14 स्टेट्स दैट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज एट द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अ सब्सिडरी एंड इट इज़ शोन आउटसाइड शेयर होल्डर्स इक्विटी। मीन्स जब हम माइनॉरिटी वगैरह तो कैसे देखते हैं कि मैंने टोटल 70% एक्वायर किया था, रिमेनिंग 30% माइनॉरिटी होता है, ठीक है। उसका प्रॉपर हम कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं कि उसे कितना कितना इक्विटी एट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह कितने होते हैं उसको। एंड वो दिखाते कैसे थे हम जब लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी पोर्शन में शेयर होल्डर्स फंड्स वगैरह लिखते हैं, कैप रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं एंड
एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद लिखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मीन्स आउटसाइडर ऑफ आउटसाइड द शेयर होल्डर्स इक्विटी, उसके बाहर ही लिखते हैं, अलग हेडिंग बनाते हैं इसकी। बट इंडियास 103 क्या बोलता है, रिक्वायर्स दैट फॉर ईच बिजनेस कॉम्बिनेशन द एक्वायरर शैल मेजर एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरी आइदर एट फेयर वैल्यू और एट द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्वायरी इज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। मीन्स हम कैसे इसको वैल्यू वगैरह करेंगे, या तो हम वही फेयर वैल्यू पे कर लेंगे, या फिर जो हम नेट एसेट्स वगैरह हम कैलकुलेट प्रॉपर करते हैं इन जो इनडायरेक्ट मेथड वगैरह में होता है, उसका प्रपोर्शनेट शेयर से 30% था वो हम कर लेंगे या फिर फेयर वैल्यू पे करेंगे। तो मतलब ये भी एक पॉइंट था। नेक्स्ट इज इंड AS 36, ये भी 7th क्वेश्चन का ए पार्ट था, बिजनेस कॉम्बिनेशन बी पार्ट था। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में क्या है इसका, इंड AS 36 नाम दोनों का सेम है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अब फर्स्ट पॉइंट है अप्लाइज टू फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को भी अप्लाई होता है, लाइक मैंने कहीं फाइनेंसिंग वगैरह कर रखी है, लाइक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहीं की हुई है, सब्सिडरी मेरी बन गई, जॉइंट वेंचर बन गया, एसोसिएट बन गया, तो उन्होंने बोला इन फाइनेंशियल एसेट्स का भी चेक करेंगे इम्पेयरमेंट। सो इन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स में जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, ये मेरी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट होती हैं, उनका भी इम्पेयरमेंट वगैरह चेक करने वाले। बट हमारे AS 28 में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूड द बायोलॉजिकल एसेट्स। अब इंड AS जो है स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है, क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए देर इज़ अ सेपरेट इंड AS ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स, बट AS 28 में ऐसा कुछ स्पेशली एक्सक्लूजन गिवन नहीं था कि इस पे लगता नहीं है AS, तो मतलब कुछ भी नहीं लिखा था उसके बारे में, तो मतलब एक्सक्लूड भी नहीं किया। बट इंड AS 36 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है, क्योंकि AS डिफरेंट इंड AS भी इस पे है। नेक्स्ट है मैंडेटरी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। अब जैसे हमने पढ़ा था 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, वहाँ पर गिवन था कि जो गुडविल हमारी आएगी अमोर्टाइज नहीं करते, उसे हम क्या करते हैं, हर साल टेस्टिंग करते हैं कि इम्पेयरमेंट वगैरह है, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह चेक करते हैं इसमें। तो वो इन्होंने बोला कि कैसे कैसे चेक करते हैं, एक तो इंटेंजिबल एसेट जिसकी इनडिफाइनट यूजफुल लाइफ है। अब हम डिटेल में तो जाने नहीं वाले, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इतना मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ इंडेक्स ना आपने लोगों ने पढ़ा हो, तो अगर डिटेल में जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम सिर्फ डिफरेंस के पर्पस से पढ़ रहे हैं सो दैट हम अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट विद एन इनडिफाइनेट यूजफुल लाइफ, ओके, जिसकी इनडिफाइनेट यूजफुल लाइफ दे रखी है, एंड इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, एंड लास्ट इज गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो जो मतलब ये था पॉइंट जो 103 से लिंक कर रहे हैं, तो इनका इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। बट AS 28 में क्या वर्डिंग यूज़ होती थी, नो एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग अनलेस देर इन इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, अगर लगता है कि कुछ फैक्टर्स वगैरह ऐसे हैं जैसे इम्पेयरमेंट के चांसेस लगते हैं तभी हम जाके चेक करते थे, हम हर साल इम्पेयरमेंट की चेकिंग नहीं करते थे, टेस्टिंग नहीं करते थे वहाँ पर। तो ये डिफरेंस एक इस पॉइंट पे है। एंड नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ गुडविल, इसमें है पहले AS का पॉइंट पढ़ लेते हैं, रिवर्स इन सब्सिक्वेंट पीरियड व्हेन इट वाज कॉस्ड बाय अ स्पेसिफिक एक्सटर्नल इवेंट, मींस मैंने एक इम्पेयरमेंट बुक किया उसका फर्दर मैं रिवर्सल भी कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी बुक कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है रिवर्सल, एक बार हमने एक बार इम्पेयरमेंट बुक कर लिया तो उसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो वही लिखा है प्रोहिबिट द रिकॉग्निशन ऑफ रिवर्सल्स ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल। थर्ड है बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। अब हमने जिस किसने AS 28 फुल डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर एक था मेथड बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्ट फॉर एलोकेशन ऑफ गुडविल। आई थिंक ये CGU वगैरह कोई क्वेश्चन था, कैश जनरेटिंग यूनिट्स वगैरह में, वहाँ पर ये मेथड प्रॉपर था। तो वहाँ पर था प्रॉपर मेथड बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्टिंग करते थे एलोकेशन ऑफ गुडविल के लिए, बट ऐसा कोई भी मेथड नहीं है इस न्यू इंड AS 36 में। अब सबको पता है कि इंड AS में एक्स्ट्रा गाइडलाइंस है, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स है, तो वहीं पॉइंट लिखा हुआ है कि AS जो है ब्रीफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है एंड लेस डिस्क्लोजर्स हैं, एंड इंड AS एडिशनल गाइडलाइंस हैं एंड मोर डिस्क्लोजर्स हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल चैप्टर 2। क्वेश्चन में बोला है कि शॉर्ट नोट लिखना है हमें फॉलोइंग टर्म्स पे। बी पॉइंट में है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स, मींस आप एक बार रेफर कर लेना PM का एग्जैक्ट क्वेश्चन, मींस अल्टीमेटली मुझे क्या करना है इंड AS 8 एंड AS 5 के बीच में डिफरेंस लिखना है, क्योंकि ये पूरा जो अकाउंटिंग पॉलिसी है पूरा AS का नाम ही है। तो पहले दोनों का नाम देखते हैं, दोनों के नाम क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नाम भी याद होने चाहिए दोनों के। एंड AS 5 बोलता है क्या है, शॉर्ट में बोलूँगी NPL
PPI, changes in accounting policy, means net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. तो एंड इंड एस 8 का जो रिस्पेक्टिव ये है, इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स. मींस दोनों के नाम में कितना डिफरेंस है. वहाँ पर सिर्फ बात कर रहा था पीपीआई की, और वहाँ पर एक और टर्म थी अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस वगैरह कैसे अकाउंट फॉर, मतलब कैसे किया जाएगा वो बताएगा. एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, कैसे सब कुछ शो वगैरह करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है. बट यहाँ पर है अकाउंटिंग पॉलिसीज इंस्टेड ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, में मतलब बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है इसका एज कम्पेयर टू AS5. एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स. अब PPI था वहाँ पे प्रायर पीरियड आइटम, एंड यहाँ पे है प्रायर पीरियड एरर्स. सो इन डिटेल अब पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, इसमें बोला है AS5 का पहले पढ़ लेते हैं फिर इन AS का पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स इन द SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. मीन्स ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ थी, उसमें कैसे कैसे सारा कुछ क्लासीफाई एंड डिस्क्लोज कैसे करेंगे एक P&L अकाउंट में, वो सारा प्रिस्क्राइब किया था. बट इंडिया सेट क्या बोलता है, प्रिस्क्राइब्स द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एंड चेंजेस अकाउंटिंग चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी. मीन्स अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी सेलेक्ट करनी है और चेंजेस में क्या क्या होगा ट्रीटमेंट, टुगेदर विद उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा, डिस्क्लोजर कैसा होगा अगर पॉलिसीज में चेंजेस वगैरह हो जाते हैं. और मतलब पूरा वही नाम लिख रखा है कि चेंजेस इन अकाउंट, मतलब डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स, पूरा नाम लिख रखा है. ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस, मतलब कैसे हम करेंगे इसमें. तो इन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम इन द SPL फॉर यूनिफॉर्म प्रेपरेशन प्रेजेंटेशन. मीन्स एक AS प्रोवाइड कर दी है हमने, हर मतलब कंपनी वगैरह को वो फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट एक SPL जो है स्टैंडर्ड फॉर्म प्रिस्क्राइब हो जाए, कंपेरेबिलिटी बढ़े. ये इसका पर्पस था AS5, मतलब इस बेस पे बना था. अब इंडिया सेट बोलता है कि इंटेंट्स टू एनहेंस द रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एन एंटिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर टाइम एंड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटीज एज वेल. मीन्स थोड़ा बहुत तो सेम है, ठीक है, बट कुछ एक्स्ट्रा बोला है इन्होंने कि ओवर द टाइम भी हम कंपेयर कर सकें एंड अदर एंटिटीज से भी हम कंपेयर कर सकें. अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. अब पहले तो हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम थी AS5 में, क्वेश्चंस भी इतने सारे थे उस पर, बट इंडियस में हर एक इंडियस में मतलब जहाँ भी टर्म आया एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर जगह प्रोहिबिट की हुई है, तो वही प्रोहिबिट है यहाँ पर. तो अब नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. अब यहाँ पर AS5 क्या बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में डेफिनेशन क्या था, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, ये डेफिनेशन था. बट इन एडिशन टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर वर्ड यूज़ हुए हैं चार, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस. ये चार वर्ड्स भी इन्होंने एक्स्ट्रा मतलब डिफाइन एक्सटेंड कर दिया डेफिनेशन को, ठीक है, ये भी यूज़ होगा. तो लिखता क्या है, ब्रॉडन्स डेफिनेशन टू इंक्लूड बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स, प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो मीन्स ऑब्वियसली इंड एस 8 का जो है स्कोप बहुत वाइड है एज कम्पेयर टू AS5. एंड यहाँ पर बोला चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. अब यहाँ पर AS5 में लिखा हुआ वर्ड नाम में AS5 के चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज वहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है. तो इन्होंने बोला कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ हमने इंक्लूड नहीं किया. वहाँ पर AS5 में स्पेसिफिकली था कि हम मैंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज की, अकाउंटिंग मेथड कोई चेंज किया, लाइक SLM से WDV कर दिया. तो बोलते थे ना तीन कंडीशंस होते हैं कि एक तो प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी होगी या फिर स्टैट्यूट ने रिक्वायर किया हुआ है तब. लेकिन कहते ऐसी कोई थर्ड कंडीशन वगैरह यहाँ पर नहीं थी, इंडिया सेट में अब नहीं है. अच्छा, अब ये है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वगैरह का है कि अगर चेंजेस हमारे क्या हों, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाती है. तो AS5 में कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ था कि उसे अकाउंट फॉर कैसे किया जाए, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली क्या था. बट AS8 बोलता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट देना है. PPE है, मींस प्रायर पीरियड एरर्स हैं, उनका भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है. बट अगर कहीं कहीं प्रैक्टिकेबल नहीं है उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, तो वहाँ पर हम मतलब प्रोस्पेक्टिव कर ले तभी इनफ है. बट AS8 में प्रोस्पेक्टिव था, ठीक है. तो मतलब कैसे याद करना है इसको, अकाउंटिंग पॉलिसीज का नॉट स्पेसिफाई इन AS5 एंड प्रायर पीरियड आइटम्स का प्रोस्पेक्टिव था. इंडिया सेट में क्या है, दोनों का ही रेट्रोस्पेक्टिव है. बट PPE का एक्स्ट्रा क्या है कि अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो हम नहीं करेंगे. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ बिटवीन इंड AS2 एंड AS2.
दोनों का नेम भी सेम है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन है, पीएम का ही क्वेश्चन है। तो ये देख लेते हैं, फर्स्ट बोलता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है कि अगर हमें कोई कॉस्ट कैरिंग अमाउंट, मतलब फर्दर मुझे कोई खर्चा उस पर होता है, सब्सिक्वेंटली मुझे अगर रिकॉग्नाइज करनी है कॉस्ट इन्वेंट्री वगैरह में, तो हम करेंगे एज एन एक्सपेंस, मतलब डायरेक्टली SPL से चार्ज करेंगे। बट AS2 में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं था, कुछ मतलब बोला नहीं हुआ था इस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब हमने जब भी किया है इन्वेंट्री अपना AS2, वहाँ पर सिर्फ गुड्स की वैल्यूएशन किया है, कोई सर्विस प्रोवाइडर का कितना स्टॉक वगैरह हमने कभी मतलब ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन इंड AS2 उसके बारे में प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन विद रिगार्ड टू इन्वेंट्रीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, की इनकी इन्वेंट्रीज वगैरह की कैसे वैल्यूएशन होगी, कितना स्टॉक वगैरह बचा, मतलब वो सारा बता रखा है। अब नेक्स्ट है मशीनरी स्पेयर्स। अब AS2 था जो बोलता था कि एग्जिस्टिंग AS2 एक्सप्लेन्स दैट इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग का इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जिनका मतलब बहुत ही कम यूज़ होता है, ऐसा कुछ था इसमें। विच बट एक बैकअप की तरह रखा होता था, स्टैंड बाई इक्विपमेंट तो यही था कि एक बैकअप की तरह रखा हुआ है, कोई टूल वगैरह ख़राब हो जाता है, इस पर्पज़ से था। तो उन्होंने बोला जो डेफिनेशन को फुलफिल करता है किसकी, PPE की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, जो AS10 में दे रखी है। तो ये जो सारी आइटम्स हैं इनकी कहाँ पे होगी रिकॉग्निशन, AS10 में होगा, वहाँ पे इनका वो मतलब कि अकाउंट फॉर करना है, AS2 में फॉल नहीं करता। अब मुझे इस पॉइंट में कुछ खास डिफरेंस समझ नहीं आया कि क्यों दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि मतलब कहाँ जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि इंडिया 16 में इसका मतलब ट्रीटमेंट वगैरह कुछ है। तो ठीक है, जो बोला हुआ है कुछ मुझे क्लैरिटी नहीं है खास इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री हेल्ड बाय कॉमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स। अब हमने ऐसा कुछ AS2 में तो कभी पढ़ा नहीं आस्पेक्ट। तो इंडिया भी बोलता है इसके बारे में कि जो इसका फेयर वैल्यू है माइनस कॉस्ट टू सेल, दैट मीन्स नेट फेयर वैल्यू पे करेंगे कि जो भी इनको सेल करने में जो भी खर्चा होने वाला, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ब्रोकर्स वगैरह के लिए ऐसे ट्रीटमेंट दे रखी है। अब हमने कुछ यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू एंड, उस अगर फेयर वैल्यू वर्ड आया है तो NRV से क्या इसका डिफरेंस वगैरह है वो बता रखा है। एक तो AS2 में हमने मतलब AS2 में क्या, हमने पिछले AS में कुछ फेयर वैल्यू टर्म पढ़ी नहीं थी, वहाँ पे AS2 में क्या क्या था, कॉस्ट था, NRV था, मार्केट प्राइस था। बट यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू वर्ड है और उसका प्रॉपरली NRV एंड फेयर वैल्यू में डिस्टिंक्शन भी गिवन है, पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है AS2 में। अब कह रहे हैं सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ NRV की कैसे करेंगे, यहाँ बोल रखा कि कुछ AS2 में ऐसा रिवर्सल से कुछ डील नहीं था जैस, और इंडिया 2 के बोलता है, पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। प्रोवाइड करता है डिटेल गाइडेंस इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ NRV, इट ऑल्सो डील्स विद कि एक तो सब्सिक्वेंट असेसमेंट करनी कैसे है वो बता रखा है डिटेल्ड। फिर बोलता है कि अगर जैसे हम करते थे पहले कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, लोअर मे बी सपोज NRV हुआ, तो हमने रिटर्न डाउन किया उस इन्वेंट्री को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रिवर्सल कितना करेंगे, जो मैंने पहले ओरिजिनली कॉस्ट और NRV लोअर का लेके NRV पर रिटर्न डाउन किया था, जितना रिटर्न डाउन किया था वो एक अपर कैप लग जाएगी, इससे ऊपर रिवर्सल नहीं होने वाला, ठीक है। तो और इसका बता रखा है कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है और डिस्क्लोजर वगैरह कैसे करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्रीज एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस पे, लाइक ऐसा कुछ टर्म था ये था, मतलब AS9 में तो पड़ा हुआ है ऐसा, AS2 में कहते हैं ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंडिया 2 में कहते हैं कि अ डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस फॉर नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स के लिए दिया था एंड जो मैंने अमाउंट पे किया उसका डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब एक तरह से फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन थी जो हमने AS9 में पढ़ा था कि इनका डिफरेंस जो होता है, ये हम एक तरह से लोन दे रखा है उसका इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, उस टर्म्स पे आई थिंक मुझे लगता है ये पॉइंट। एंड नेक्स्ट है कि एक तो कॉस्ट फॉर्मूला रिक्वायर करता है कि मुझे अगर एक इन्वेंट्री की एक पर्टिकुलर आइटम की कॉस्टिंग मतलब वैल्यूएशन वगैरह करनी होती है, तो एक ही फॉर्मूला को हम कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज़ करते रहेंगे एवरी ईयर, मतलब रेगुलर होना चाहिए उसका यूज़, ये नहीं है कि आप कभी कौन सा कर रहे हो कभी कौन सा कर रहे हो। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं था कि कोई कंसिस्टेंट फॉर्मूला लगाना है एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेंट्री के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5th है,
ये ऑलरेडी नवंबर 17 में आया था कुछ इस टर्म्स पे ही, लाइक दो स्पेसिफिक आइटम्स पे उन्होंने रिस्पेक्टिव ईएस एंड इंडियस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वैसा ही 6 क्वेश्चन भी है, इसके भी दो पार्ट्स है। डिस्क फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहीं से कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूड वर्सेज डिसकंटिन्यूइंग। तो देखते हैं, एक तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है AS 24, ठीक है, वो उसका नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एंड इसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स है 105, जिसका नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अभी इन्होंने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के ऊपर सिर्फ डिफरेंस माना मांगा हुआ है, तभी हम पूरा इंडेक्स नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं इंडेक्स देख लेते हैं, फिर उसका एएस देख लेंगे। अब इंडेक्स क्या बोलता है, अंडर इंडेक्स 105 अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट आइदर हैज बिन डिस्पोज्ड ऑफ और इज हेल्ड एज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ओके, तो इसमें क्या बोलता है कि डिसकंटिन्यू ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स ऑपरेशन या डिसकंटिन्यू हो चुका है, लाइक नॉट ऑपरेशन, एक कंपोनेंट था। अब इसमें अगर AS 24 पढ़ा होगा आपने, वहाँ पर भी ऐसे होता है कि एंटिटी का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट सेगमेंट वगैरह जो इजीली आइडेंटिफाइबल हो, डिस्टिंग्विश हो सके विद अदर फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, या फिर मैंने उसे सेल के लिए अलग से क्लासिफाई कर दिया कि ये तो सेल करना है पूरा कंपोनेंट। अब आते हैं AS 24 पे, जो बोलता है देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बट इट डील्स विद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अब इसमें बोलता है कि बता रहे हैं कंपोनेंट वगैरह क्या होता है, ऑपरेशन एंड कैश फ्लोज दैट कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिप्रेजेंट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन आर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मतलब कंपोनेंट के बता रखे, कंपोनेंट जिसका हम इजीली जो है सेल कैश फ्लो ऑपरेशंस वगैरह डिस्टिंग्विश कर सकें, ठीक है, वो कंपोनेंट को हमने बंद करा उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब नेक्स्ट बोलता है उन्होंने कि कैसे मतलब हम अकाउंट फॉर वगैरह करेंगे। अब पहले AS का पढ़ लेते हैं, एग्जिस्टिंग AS 24 रिक्वायर्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल सेट आउट इन अदर रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मीन्स क्योंकि AS 10 वगैरह भी इसके लिए यूज़ होता था पहले, मतलब इस AS 24 के लिए। तो कहते हैं जो एग्जिस्टिंग AS 10 है रिक्वायर करता है दैट द फिक्स एसेट जो रिटायर कर दी है हमने एक्टिव यूज से और हमने जो डिस्पोजल के लिए रख दी है उसे कैसे करेंगे, एक तो उसकी बुक वैल्यू जो थी या फिर जो NRV मतलब जो उसकी अब वर्थ है विच एवर इज़ लोअर उसी पर बिकने वाली है वो तो ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होने वाली है। एंड यहाँ बोलता है अंडर इंड एस 105 नॉन करंट एसेट विच आर हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, आर मेजर्ड एट, कैसे मेजर करेंगे, दो अमाउंट्स पे, फर्स्ट कैरिंग अमाउंट, सेकंड इज नेट फेयर वैल्यू, मींस फेयर वैल्यू माइनस जो सेल करने के लिए मेरी कॉस्ट लगने वाली है, कॉस्ट टू सेल वो माइनस कर देंगे फेयर वैल्यू से, कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से, विच एवर इज़ लोअर उस पर हम कर लेंगे। और नेक्स्ट भी आगे इन्होंने यही बोला हुआ है इसमें। अब ये हमारा हो गया, ये था AS 24 एंड इंड AS 105। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो कि पेंडिंग है वो है ये 8th क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन का नाम क्वेश्चन है क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन इंड AS 1 एंड IAS 1 विच रिजल्ट्स इनटू कार्व आउट एंड विच डू नॉट रिजल्ट इन टू कार्व आउट्स। अब मैंने एस जैसे पहले भी बोला था मैंने कि जो कार्व आउट है वो तो हमने पढ़ा हुआ है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइमिंग मैंशन कर दूँगी, वहाँ से रेफर कर लेना सिंस टाइम कंस्ट्रेंट है। तो हम डायरेक्टली देखते हैं ये वाला पार्ट, नॉट रिजल्टिंग इन टू कार्व आउट्स। अब इसमें तो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की बात करता है। अब जैसे पता ही है कि हमारे इंडियस सॉरी IAS में 1 में जो है दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच, एक होती है सेपरेट या फिर टू स्टेटमेंट अप्रोच, दो बनते हैं मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लाइक OCI। तो अगर ये बना रहे हैं टू स्टेटमेंट अप्रोच तो दोनों अलग अलग बनेंगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L स्टेटमेंट ऑफ OCI और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये टू स्टेटमेंट अप्रोच में दोनों स्टेटमेंट्स बनेंगी। एंड सिंगल स्टेटमेंट में क्या होगा, एक ही स्टेटमेंट होंगे उसके दो पार्ट्स होने वाले हैं कि P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो IAS 1 में ऑप्शन है आइदर टू फॉलो सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच और टू स्टेटमेंट अप्रोच, बट इंड AS 1 में कोई ऑप्शन नहीं देता, वो डायरेक्टली बोलता है कि एक ही सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच को ही फॉलो करना है,
बस और दो सेक्शंस में बनाना है, फर्स्ट वन इज पीएनएल एंड सेकंड वन इज ओसीआई। तो पढ़ लेते हैं कि विद रिगार्ड टू प्रेजेंटेशन ऑफ एसपीएल, आईएएस वन प्रोवाइड करता है एक ऑप्शन आइदर टू फॉलो द सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच और टू फॉलो द टू स्टेटमेंट अप्रोच। एन एंटिटी में प्रेजेंट अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड ओसीआई विद पीएनएल एंड ओसीआई प्रेजेंटेड इन टू सेक्शंस, और एन एंटिटी में प्रेजेंट द प्रॉफिट और लॉस सेक्शन इन सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल विच शेल इमीडिएटली प्रिसीड द स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव अद कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बिगिनिंग विद पी एंड एल। लेकिन इंडिया वन बोलता है अलाउ करता है ओनली द सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच विद पी एंड एल एंड अदर ओ सी आई प्रेजेंटेड इन टू सेक्शंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। अब पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या पॉइंट है इसमें। आई ए एस वन गिव्स द ऑप्शन टू इंडिविजुअल एंटिटीज टू फॉलो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर द टाइटल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडिया एस वन इज चेंज्ड टू रिमूव ऑल्टरनेटिव्स बाय गिविंग ओनली वन टर्मिनोलॉजी टू बी यूज्ड बाय ऑल एंटिटीज। नाउ व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? अब जैसे हम बोलते हैं हमारे ए एस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, वैसे ही आई ए एस में के अकॉर्डिंग क्या वर्ड यूज़ होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट के प्लेस पे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्लेस पे। तो आई ए एस वन में बोलता है कि कुछ भी यूज़ कर लो, मतलब कि ऑप्शन दे रखा है कि स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल पोजिशन यूज़ करो, बैलेंस शीट यूज़ करो, वो ऑप्शन दे रखा है। बट इंडिया एस वन में बोल रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक तो इंडिया एस वन बोलता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ये दो टर्मिनोलॉजी ही यूज़ करनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ भी यूज़ कर लो, एक स्टैंडर्ड यूज़ का टर्मिनोलॉजी और हर किसी को वही यूज़ करना है, कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। वहाँ पर क्या दे रखा है कि इंडिया एस वन में जो बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन करनी है एक्सपेंसेस की, वो नेचर के बेस पे करते हैं कि जो नेचर है अकाउंट का एक एक्सपेंस का उसके बेसिस पे हेडिंग्स वगैरह बना लेते हैं। बट आई ए एस वन में क्या होता है कि एक्सपेंसेस को नेचर के बेस पे कर लो या उनके फंक्शन के बेस पे कर लो विद इन द इक्विटी में, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियलिटी। आई ए एस वन रिक्वायर्स दैट आइटम्स ऑफ डिस सिमिलर नेचर, कि नेचर किसे मैच नहीं कर रहा, हेडिंग वगैरह कितने बनाते फिरेंगे, तो उन्होंने बोला कि शेल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली, एक सेपरेट हर डिसिमिलर नेचर की आइटम जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, सेपरेटली दिखाते रहेंगे। बट लिखा हुआ है अनलेस दीज आर इमटीरियल, अगर इमटीरियल है तो उसका सेपरेटली दिखा के फ़ायदा नहीं है, बहुत सारी आइटम्स इकट्ठे हो जाएंगे हमारे कॉम्प्रहेंसिव इनकम या फिर पी एंड एल में। एंड पैराग्राफ 31 प्रोवाइड्स दैट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस नीड नॉट बी प्रोवाइडेड इफ द इन्फॉर्मेशन इज नॉट मटेरियल, कि वहाँ पे प्रॉपर बताना होता है ये नेचर वगैरह था, डिस्क्लोजर देना होता है जो भी है। तो उन्होंने बोला कि मटेरियल नहीं है अगर वो पर्टिकुलर आइटम वगैरह, तो उसका डिस्क्लोजर भी देखे, मतलब इतना कुछ नहीं करना की जरूरत जो इमटीरियल आइटम्स हैं। बट इंडिया सुन में यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन वगैरह किया इस पैरा में कि एक्सेप्ट वेन रिक्वायर्ड बाई लॉ, कि अगर रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड है लॉ में तब प्रोवाइड करना, अदरवाइज नहीं करना। सो नेक्स्ट पार्ट जो बोलता है कि डिस्क्लोजर रिगार्डिंग रिकंसिलेशन, तो इंडेस वन डील करता है विद डिस्क्लोजर रिगार्डिंग कि हमें जो कैरिंग अमाउंट होती है बिगिनिंग में और एट दी एंड में, उन हर एक कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में, लाइक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह, उसमें रिकंसिलेशन टाइप ही होती है, वो प्रॉपर हमें दिखाना होता है। लेकिन वहाँ पर एक अमेंडमेंट वगैरह, मतलब इंडेस 103 के साथ, मतलब उसको भी साथ में लेते हुए ताकि वहाँ से भी पैरिटी रहे, अमेंडमेंट क्या की है इसके डिस्क्लोजर में कि जो बार्गिन परचेज गिन होता है, लाइक जो कैपिटल रिजर्व हम नॉर्मल टर्म में बोले एएस की लैंग्वेज में, इंडेस में उसे परचेज बार्गिन गेन बोलते हैं, बार्गिन परचेज गेन बोलते हैं, उसे भी ट्रीटमेंट किया जाएगा इस जो कैरिंग अमाउंट का रिकंसिलेशन करने में। सो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए एक्सेप्ट आई थिंक वन पार्ट आई थिंक। सो नाइन्थ क्वेश्चन नहीं करना था, टेंथ नहीं करना था, ऑलरेडी आ रखे थे हमारा। एट्थ क्वेश्चन बताया था मैंने कि ये सेकेंड दूसरी क्लास से रेफर कर लेना, इसका ये कार्व आउट पार्ट और नीचे वाला, मतलब जो नॉट रिजल्टिंग इन टू कार्व आउट, वो हमारा हो गया। हमने इंडियास 103 एंड 14 का डिफरेंस कर लिया पी एस बेनीवाल सर की फाइल से, इंडियास 36 कर लिया पी एस बेनीवाल सर की फाइल से सेम। तो ये सेवन्थ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, इसका सिर्फ ये ये इंटेंजिबल वाला पोर्शन नहीं हुआ, अदरवाइज ये तो हो गया हमारा डिसकंटिन्यूड वगैरह का तो हो गया था, एंड ये तो हमने पहले किया हुआ था। एंड फोर्थ का भी एक हमारा ये AS2 था, एंड और कौन सा था, ये AS5 एंड AS8, सारे क्वेश्चन डन। So thank you so much for watching.